हमारे मम्मी पापा को ये लगता है कि तू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे सीख रहा है, यहाँ पे एजुकेशन ले रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुझे नशे की लत लग चुकी है, तेरी यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है। तुझे पता है डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अगर तेरी 1 महीने में अगर तेरी ये लत अगर चली नहीं गई ना, तो मर जाएगा। और पी दारू, और स्मोक कर, गुटखा गांजा जो भी है सब खा और मर जा। तुझे हंसी आ रही है? ये तुझे जोक लग रहा है? तुझे जरा से भी तुझमें सीरियसनेस नहीं है क्या? हाँ, मैंने तुझे डांटा, चिल्लाया, मैंने एक बार तुझ पे हाथ भी उठाया, फिर भी तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुझे पता है जिस दिन मैंने तुझ पे हाथ उठाया मुझे कितना बुरा लगा? लेकिन तुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है नशे की लत के वजह से तुझमें जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थे, वो भी मर चुके। जब भी मैं तुझे में देखता था मुझे कितना प्राउड होता था। मैं सबको मैं कहता था, देखो ये मेरा भाई है, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मेरी भाई की तरह बनो, उससे कुछ सीखो, कितना स्मार्ट है वो, कितना टैलेंटेड है वो। उसने अपने खुद के बलबूते पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन अगर तू इस नशे के हालत में अपने मम्मी पापा के सामने अगर तू गया तो उनकी क्या हालत होगी यार? उनको कैसा फील होगा? कुछ सोचा तूने? हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि तू ज्यादा दिन तू टिक नहीं पाएगा। अगर तुझे अगर कुछ हुआ, अगर तू मर गया, तो मैं लोगों को मैं क्या कहूंगा? मम्मी पापा को मैं क्या कहूंगा? मेरा भाई नशे की लत की वजह से मर गया। हाँ, तड़प तड़प के मरा, ये मैं उनको मैं बताऊं? तुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा क्या? तुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, तुझ पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। छोड़, क्या फायदा, तू तो अभी भी नशे में ही है। मुझे पता नहीं तेरा क्या होगा, लेकिन एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में एक बार सिर्फ तू सोच, प्लीज प्लीज सोच।